जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले में जनपद पंचायत कर केले के कोतवाली अंतर्गत ग्राम घनसुग अमलई निवासी आदिवासी किसान के आग लगने से घटना स्थल पर ही हुई मौत। मौके पर ही आदिवासी किसान जलकर खाक हो गया। मृतक शुक्ला बेगा के परिजनों ने बताया कि मृतक अपने घर से ससुराल आया हुआ था और खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। उस मिर्गी की बीमारी पहले से ही थी। उसी दौरान खेत खलियान में आग लग जाने के कारण मिर्गी मारने से चक्कर आ जाने के कारण वह आग की चपेट में आ गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई करने के बाद मृतक के शव का पीएम करवाया गया एवं शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जाँच जारी है। आग ही जो रही तो हम आग से मतलब मिर्गी मारी तो अब फटकारी हुई कुछ हाथ लठवट वाला भी हुई हम वहाँ से फिर आग ही पकड़ लाई से वहाँ हो गया। मतलब कुछ लोग गहुआ आते थे तो बोले कि अभी हमारा थोड़ा सा बेटा गहुआ दो, इसके बाद आप भी ले जाना तो आप भी गहुआ लेना। फिर मैं थ्रेसर में मैं रह आया। फिर वहाँ से जब थ्रेसर बंद हुआ तो यहाँ खूब हमारे घर के लोग बाग रोते रहे। फिर जब आग खूब दिखाई दिया तो फिर वहाँ से फिर हमने दौड़े बहुत से लोग, फिर आके देखे तो यहाँ जीवित नहीं पाएगा। एक लगभग 27 से 28 साल के पुरुष को जलने के पश्चात शव परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया था, जिसका शव परीक्षण मेरे द्वारा किया गया एवं उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि उस मरीज को मिर्गी आने की बीमारी थी, जिसका उपचार उसका चल रहा था एवं खेतों में लगी हुई आग के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। शुक्ला बेगा अपने ससुराल घुनसू में रहकर खेती करता था। वो खलिहान में सो रहा था, उसको मिर्गी की बीमारी थी तो प्यार में आग लगी, वो उठ नहीं पाया, उसी से जला, उसी कारण उसकी मौत हो गई। उसका रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया है, उसकी जांच की जा रही है। ऐसे उमरिया जिले से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।